বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বর্তমানে কতটা স্ট্রং। মিয়ানমার দেশটি বাড়াবাড়ি করলে সীমান্তেই বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষকরা যে কোনো অ্যাকশন নিতে পারে এবং ফিরতে হতে পারে মিয়ানমার জনতাকে। আপনারও জানা আছে কিনা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो। व्यूअर्स, बांग्लादेश म्यांमार के दरमियान बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, और म्यांमार की तरफ से जिस तरह से जारहियत की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है, मार्टर शेल गिराए जा रहे हैं, अब बांग्लादेश ने भी इसके ऊपर बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये मैं जो आपके सामने खबर शेयर करता हूँ, आपको जो न्यूज़ देता हूँ, ये सब की सब रियलिटी बेस होती है। मैं बांग्लादेशी न्यूज़पेपर से ये खबर निकालता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ। आज बांग्लादेशी एक न्यूज़पेपर है, ढाका ट्रिब्यून, उसमें ये खबर छपी है कि बांग्लादेश ने अपने गार्ड्स को, जो बीजीबी उनकी स्पेशल फोर्सेज है, गार्ड्स की बॉर्डर फोर्सेज है, उसको एक मैसेज दे दिया है। वो मैसेज मैंने आपके सामने रखना है और एक वीडियो क्लिप भी है, वो व्यूअर्स मैंने आपके सामने रखना है कि बांग्लादेश ने अब बड़ा फैसला कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी, मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दी थी, उसमें कह दिया है कि वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड, अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हमारी जो अमन की पॉलिसी है ना, पीस की जो हमारी पॉलिसी है बांग्लादेश की, उसको कमजोरी ना समझा जाए। कभी ये ना कह दे कि बांग्लादेश डर गया या खौफ आ गया या ये हो गया वो हो गया, नहीं, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ी एशिया की मुआशी हब है, इसलिए बांग्लादेश युद्ध में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला विवर्स कर लिया है, ये वीडियो के बाद मैं बताता हूं कि अब किस तरह से म्यांमार की धज्जियां उड़ाएगा बांग्लादेश, क्योंकि अब बांग्लादेश की 20 करोड़ आवाम, उसकी आर्मी, उसकी हुकूमत एक पेज पर आ चुके हैं और दुनिया को भी दिखा दिया है कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन हमें तंग किया गया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, उड़ा के रख देंगे, दमा के रख देंगे, पचकाड़ के रख देंगे। तो व्यूअर्स पहले ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है और फिर मैंने इसके ऊपर जो रिएक्शन देना है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब बांग्लादेश ताबड़तोड़ हमले कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत पेशेंस दिखा दिया है। अगर सामने वाला दुश्मन बाज नहीं आता, जिस तरह इंडिया ने किया पाकिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान ने जो बुरा हाल किया, दो त्यारे गिराए, अभिनंदन को गिराया और उसका जो करियर है, उसका फ्यूचर तबाह किया, और क्या इस तरह बांग्लादेश भी सरप्राइज देने जा रहा है म्यांमार को, इसके बारे में व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সীমান্ত উত্তপ্ত। বাংলাদেশ সরকার এবার সীমান্ত রক্ষকদের সক্রিয় থাকতে বলছে, কারণ সীমান্তেই মিয়ানমার ছল চাতুরি করে বাংলাদেশকে উস্কাতে পারে। মিয়ানমার জানে তো বিজিবি বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বর্তমানে কতটা স্ট্রং। মিয়ানমার দেশটি বাড়াবাড়ি করলে সীমান্তেই বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষকরা যে কোনো অ্যাকশন নিতে পারে এবং ফিরতে হতে পারে মিয়ানমার জনতাকে। আপনারও জানা আছে কিনা বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষকরা কতটা শক্তিশালী এবং কিভাবে তারা পাহারা দিচ্ছে মিয়ানমার আর বাংলাদেশের বর্ডারকে, এই মুহূর্তে দেখবেন রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে। আর সঙ্গে থাকুন অবশ্যই সম্পূর্ণ রিপোর্টের। বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে মিয়ানমার মুখিয়ে আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তকে বুক দিয়ে আগলে আছে দেশটির বর্ডার রক্ষকরা। শক্ত হাতে হাল ধরে থাকতে হচ্ছে তাদেরকেই, কারণ বাংলাদেশ এখন যুদ্ধ চায় না। বাংলাদেশকে যে রাষ্ট্রগুলো দুর্বল দেশ ভাবে তাদের ধারণা ভুল। বর্তমানে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষকরাই দেশটির অন্যতম সম্পদ। আধুনিক অস্ত্র সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ বর্ডার রক্ষকরা এখন অনেক উন্নত। মানব পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, আবার কখনো চোরা চালানের মতো নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের। এবার চ্যালেঞ্জ মিয়ানমারকে রুখে দেওয়া। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে এবং মিয়ানমারের পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাদেশ মিয়ানমারের সীমান্ত রেখা 208 কিলোমিটার মোট দৈর্ঘ্য। এটি মিয়ানমারের সবচেয়ে ছোট সীমান্ত।
যার মধ্যে 52 কিলোমিটার নাফ নদী, 16 কিলোমিটার উখিয়া এবং বাকি অংশ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সংলগ্ন। পুরো সীমান্ত পথে রয়েছে মিয়ানমারের কাঁটাতারের বেড়া। সীমান্ত পার হয়ে কোনো বিপদ যাতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢুকতে না পারে, ঠিক এই জায়গাতেই সতর্ক রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। নাছোড়বান্দা মিয়ানমারকে ক্রমাগত পুশব্যাক করছে তারা। পাহাড় এবং ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত দিন পাহারা দিতে হচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে। মিয়ানমারের তরফে একটা ফায়ারিং এলে পাল্টা দেবে বিজিবি। প্রায় 228 বছরের দীর্ঘ পথ চলা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বৃহৎ একটি সুশৃঙ্খল আধা সামরিক বাহিনী। 1947 সালে দেশভাগের পর এই বাহিনীর নাম হয় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। 1971 সালে এসে এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় 103,454 জনে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সক্রিয়। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, बड़ी शानदार वीडियो बनी हुई थी। अब बांग्लादेश ने कर लिया है जी फैसला, और आज की ही न्यूज़ है, और बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर में ये खबर छपी हुई है कि बांग्लादेश ने अपनी बीजीबी फोर्सेस को कह दिया है कि अब अगर बांग्लादेश की टेरिटरी हदूद, फजाई हदूद में, बॉर्डर में कोई भी मार्टर शेल, गोला या फिर उनका हेलीकॉप्टर, तैयारा म्यांमार का आता है बांग्लादेश की हदूद में, सरहद में, बॉर्डर में, तो भाई फिर आप उनको गिरा दो, उनको मार गिराओ नीचे, रुको नहीं, फिर सब्र नहीं करो, क्योंकि बहुत सब्र कर लिया है। ये सलामती का मसला है बांग्लादेश की, और उनको एक्टिव रहने का कह दिया है, भाई आप एक्टिव रहें और कोई भी चीज़ आती है उसको मार गिराएं। अब बांग्लादेश भाईजान युद्ध में जाएगा, अब बांग्लादेश नहीं रुकेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत सब्र कर लिया है। और जिस तरह से बीजीबी फोर्सेस है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, बड़ी ही शानदार एक फोर्स है बांग्लादेश की, और बड़ी बहादुर और निडर ये फोर्सेस है। क्यों ना हो भाई ये निडर और बड़ी बहादुर फोर्सेस, क्योंकि बांग्लादेश एक खुद बहुत ही ब्रेव नेशन है, बड़ी बहादुर कौम है, वो लड़ना जानती है, उनके पास लड़ने का तजर्बा है, उन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, और उनके पास लिबरेशन वार का भी एक्सपीरियंस है। तो भाई अब म्यांमार को सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत सब्र किया, अमन 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 की उसने चर्चा बार 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 की, लेकिन समझ नहीं आई म्यांमार को, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो दी, आपको बताया कि उसके पीछे किसका हाथ है, म्यांमार के पीछे। म्यांमार को कौन चाहता है कि वो बांग्लादेश के साथ यूं ही युद्ध में जाए, क्यों, मैंने बताया है इंटरनेशनल फोर्सेज हैं इसके पीछे, म्यांमार को जो बार बार कह रही हैं कि भाई आप युद्ध में जाएं, जंग में जाएं और बांग्लादेश से टकराएं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।